आज का अपना टॉपिक है मिडिल करेनियल फोसा और उसकी पार्ट वन वीडियो में मैं आपको पहले ही पूरा इंटीरियर करेनियल फोसा बता चुका हूँ। उस वीडियो के लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगी, नहीं देखी तो वो वीडियो आप देख सकते हो। तो आज की पूरी वीडियो में अपन अच्छे से डिटेल में मिडिल करेनियल फोसा को जानेंगे और उसका ये जो मेन पार्ट जो होता है ना वो एक्चुअली में इसके होते हैं फोरामेन। आपको वाइवा वगैरह में और स्पॉटिंग में इसके सिर्फ फोरामेन ही पूछेंगे, तो मेनली अपन इसके सारे फोरामेन अच्छे से डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन बता देता हूँ। तो मैं आपको पहले ही बता चुका था, अपना ये जो स्कल बोन है उसको जब अपन इंटीरियर में देखते हैं तो आपको यहाँ पे क्या ऐसे तीन फोरामेन दिखाई पड़ेंगे। ये इंटीरियर में होता है इंटीरियर करेनियल फोसा, पोस्टीरियर में अपना ये है पोस्टीरियर करेनियल फोसा और इंटीरियर पोस्टीरियर के बीचों बीच अपना ये है मिडल करेनियल फोसा। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं ये जो मिडल करेनियल फोसा जो है ये अपने पोस्टीरियर करेनियल फोसा से कैसे डिवाइड हो रहा है। तो आपको यहाँ पे क्लियरली दिख पा रहा हो, आपको यहाँ पे एक एलिवेशन दिख रहा होगा बोन का। तो एक्चुअली में ये क्या है, इसको अपन बोलते हैं पेट्रोस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन। ये जो टेम्पोरल बोन है ना उसी का ही एक पार्ट है, इसे अपन बोलते हैं पेट्रोस पार्ट। और जो पेट्रोस पार्ट जो है ये अपने मिडल करेनियल फोसा को पोस्टीरियर करेनियल फोसा से डिवाइड कर रहा है। तो सबसे पहले अपन ने देखा है पेट्रोस वाला पार्ट और फिर आप देख पा रहे हो यहाँ पे बीचों बीच आपको हल्का सा एक डिप्रेशन दिख रहा होगा। तो ये जो डिप्रेशन जो है आप ऑलरेडी जानते हो ये अपना एक्चुअली में होता है शैला ट्रशिका। तो आपको यहाँ पे डिटेल में पता चल गया कि अपना ये जो मिडल करेनियल फोसा जो है पोस्टीरियर करेनियल फोसा से कैसे डिवाइड कर रहा है, अपना टेम्पोरल बोन के पेट्रोस वाले पार्ट से और इसके मीडियन में बीचों बीच अपना होता है शैला ट्रशिका। फिर अपन देखते हैं इसका फ्लोर। तो अपना जो मिडल करेनियल फोसा का जो फ्लोर जो होता है वह अपना होता है बटरफ्लाई शेप का। ये आप देख भी पा रहे हो, ये मान लो बीच में बटरफ्लाई की बॉडी है और ये इसके पूरे विंग है। तो इसका पूरा फ्लोर जो है बटरफ्लाई शेप का है। देन इसके फ्लोर के होते हैं अपने दो पार्ट, इसका एक पूरा लेटरल वाला पार्ट और एक इसका होता है ये मीडियन वाला पार्ट। तो आप जानते हो मीडियन वाला पार्ट किससे बनता है, मीडियन वाला पार्ट अपना बनता है स्पिनॉइड की बॉडी से। ठीक है, तो इसका मीडियन वाला पार्ट अपना बनेगा स्पिनॉइड की बॉडी से। और इसका एक इम्पॉर्टेंट फीचर जो है वो आप याद कर लेना कि इसके बीचों बीच अपना प्रेजेंट होता है शैला ट्रशिका। अपन बात करते हैं इसके लेटरल वाले पार्ट पे, तो इसका जो लेटरल वाला पार्ट जो है वो अपने तीन बोन्स से मिलके बनता है। सबसे पहले अपना स्पिनॉइड बोन का ग्रेटर विंग। अभी जो स्पिनॉइड बोन जो है ये आपको साइड में पिक में भी दिख पा रहा होगा, ये अपनी एक पूरी एक सेपरेट बोन होती है। इसको अपन ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ रहे क्योंकि मेनली इसके फोरामेन इंपॉर्टेंट होते हैं मिडल करेनियल फोसा के। तो एक्चुअली में जो स्पिनॉइड बोन जो है उसके दो विंग रहते हैं, ये एक पूरा है इसका ग्रेटर विंग और एक इसका होता है लेसर विंग। तो अपना स्पिनॉइड बोन के ग्रेटर विंग से और अपना ये जो टेम्पोरल बोन का ये जो पेट्रोस वाला पार्ट था ना, ये इसका पेट्रोस वाला पार्ट है, इसकी ये है पोस्टीरियर सरफेस और एक ये है इंटीरियर सरफेस, उसकी इंटीरियर सरफेस से। और अपना जो टेम्पोरल बोन जो है उसका ये पूरा होता है स्क्वेमस पार्ट ये वाला। तो अपने टेम्पोरल बोन के स्क्वेमस वाले पार्ट से इन तीन बोन से अपना मिलके बनता है मिडल करेनियल फोसा का लेटरल वाला पार्ट। देन यहाँ पे आप तीन इंपॉर्टेंट फीचर जो है वो याद कर लेना। सबसे पहले मैं आपको बताऊं यहाँ पे अपना प्रेजेंट होता है ट्राइजमाइनल नर्व का इम्प्रेशन। मैं आपको दिखाऊं, ये आप देखिए, तो ये आप जो देख पा रहे हो यहाँ पे आपको ये दिख रहा है, ये हल्का सा आपको इम्प्रेशन दिख रहा होगा। साइड में अगर आप पिक देखो तो आपको वहां पे भी क्लियर दिख पा रहा होगा। इस इम्प्रेशन को अपन बोलते हैं ट्राइजमाइनल नर्व का इम्प्रेशन। देन फिर अपना ये है टैगमेन टिम्पेनी, तो ये वाला पार्ट इसका अपना होता है टैगमेन टिम्पेनी। और बीच में ये आप पूरा जो एक एमिनेंस देख रहे हो इसको अपन बोलते हैं आर्कुएट एमिनेंस। तो मैं आपको सिर्फ मेन इसके फीचर बता रहा हूँ जो मेनली वाइवा में इम्पॉर्टेंट होते हैं। देन फिर अपन इसके मेन पार्ट पे आते हैं, वो है इसका फोरामेन वाला पार्ट। तो सबसे पहले अपन देखते हैं यहाँ पे ऑप्टिक फोरामेन। तो आपको ये मिडल करेनियल फोसा में ये बीच में आपको एक हल्का सा फोरामेन दिख रहा होगा। अगर मैं आपको यहाँ से दिखाऊं तो ये है अपना बोनी ऑर्बिट और इस बोनी ऑर्बिट में ये वाला फोरामेन, ये जो आपको दिख रहा है ना, इस फोरामेन को अपन बोलते हैं ऑप्टिक फोरामेन। और आप इसके नाम से समझ गए होंगे कि इसमें क्या पास होता है। इसमें अपना ऑप्टिक नर्व, ऑप्थेल्मिक आर्टरी और ऑप्थेल्मिक आर्टरी के पूरे सराउंड पे, अगर मान लो कि ये अपनी ऑप्थेल्मिक आर्टरी है तो उसके चारों तरफ अपना एक सिंपैथेटिक प्लेक्सस होता है।
तो तीन चीज इससे जो है पास करती हैं। इसलिए आपसे वाइवा वगैरह में वो क्या करेंगे, इस तरीके से मैम आपको जो है किसी रॉड से बताएंगे कि ये कौन सा फोरामेन है, तो आपको उसको बताना पड़ेगा कि मैम ऑप्टिक फोरामेन है और उसके पूरे कंटेन बताना पड़ेंगे। तो इस तरीके से आपसे वाइवा में क्वेश्चन हो सकते हैं। फिर अपन बात करेंगे सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर के बारे में। इसको समझाने से पहले मैं आपको पहले और इम्पोर्टेंट फोरामेन बता देता हूँ, ये वाले उसको अपन बाद में देखेंगे। सबसे पहले अपना हुआ फोरामेन ओवल, तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो अगर आप इस तरफ देखो, यहाँ पे आपको क्लियरली ज़्यादा दिखाई देगा, तो ये बीचों बीच ये जो फोरामेन जो आपको दिख रहा है ना, उसे अपन बोलते हैं फोरामेन ओवल। ओवल क्यों? क्योंकि आप देख पा रहे हो अपना ओवल शेप का है, तो इसलिए अपन बोलते हैं फोरामेन ओवल। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फोरामेन है, यही वाइवा मेनली पूछते हैं आपसे। तो इसके एक्चुअली में होते हैं अपने चार कंटेन, और उसको याद करने की ट्रिक है मेल, आप मेल ट्रिक से याद कर सकते हो। एम से अपना है मैंडिबुलर नर्व, ए से अपना है एक्सेसरी मिडल मेनिंजियल आर्टरी, एल से अपना है लेसर पेट्रोजल नर्व, और ई से अपना है इमेजरी वेन्स। तो टोटल यहाँ पे अपने चार चीजें जो है इस फोरामेन ओवल से पास होती हैं। और इसी फोरामेन ओवल के जस्ट ऊपर अपना यह है फोरामेन रोटेंडम, ये आपको दिख पा रहा है, तो उसके ऊपर ही अपना है फोरामेन रोटेंडम। और यहां से अपने टोटल दो चीज पास करती हैं, एक अपना मैक्सिलरी नर्व और इमेजरी वेन। फिर इसी फोरामेन ओवल के जस्ट नीचे, एक्चुअली में जो तीनों फोरामेन है ना, इसे लाइन से है, पहले फोरामेन ओवल, फिर रोटेंडम, फिर अपना स्पाइनोसम। फोरामेन स्पाइनोसम में अपना है मिडल मेनिंजियल आर्टरी। देन देखो, तुम्हें ये सारे फोरामेन याद करने पड़ेंगे, अपने हिसाब से जिंगल बना के सब याद कर लेना। फिर एक और यहाँ पे फोरामेन है, वो है फोरामेन लेसरम। देन अगर आप यहाँ पे देखो, ये आपको इन तीनों के साइड में ये वाला एक फोरामेन दिख रहा होगा, ये इसी फोरामेन को अपन बोलते हैं फोरामेन लेसरम। और यहाँ पे अपने टोटल जो है तीन मेन इंपॉर्टेंट चीज पास होती है, एक इमेजिनरी वेन्स और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और मेनिंजियल ब्रांच ऑफ असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी। यहाँ पे मेन कंटेन अपना है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। फिर अपन बात करते हैं अपने सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर पे। और जब मेरा वाइवा हुआ था फर्स्ट ईयर में, तो मैम ने मुझसे ये पूछा था कि इसके कंटेन क्या होते हैं, तो मैं आपको बताऊं, अपना ये जो बोनी ऑर्बिट जो है, आई ऑर्बिट, उसमें आपको ये पूरा सा एक फिशर दिख रहा होगा, दिख रहा है आपको है? इस पूरे फिशर को अपन बोलते हैं सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर। जाहिर सी बात है, एक सुपीरियर है तो एक इन्फीरियर भी होगा, तो ये है इन्फीरियर ऑर्बिटल फिशर। मेनली मैम आपको इस तरीके से रॉड करके दिखाएंगी कि ये कौन सा फोरामेन है, तो आप बोलना मैम ये है सुपीरियर ऑर्बिटल फोरामेन, उसके बगल में है अपना ऑप्टिक फोरामेन। तो ये जो सुपीरियर ऑर्बिटल फोरामेन जो है, अगर आप देख पा रहे हो, ये कुछ हल्का सा एल शेप का है। मैं अगर आपको यहाँ पे इसको बना के बताऊं, तो ये कुछ इस तरीके से है, ठीक है? तो आप देख पा रहे हो अपना ये जो सुपीरियर ऑर्बिटल, आपको साइड में एक पिक के थ्रू दिखा रहा हूँ कि सुपीरियर ऑर्बिटल फोरामेन जो है, ये कुछ हल्का सा एल शेप का है। और अगर आप देखो, इसके बीचों बीच अपना एक रिंग प्रेजेंट है, उसे अपन बोलते हैं टेंडनस रिंग। इसको समझाने के लिए अगर मैं आपको बताऊं, अपनी जो आई होती है उस पर कुछ मसल अटैच होती हैं, उसे अपन क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स। इसके ऊपर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। तो ये जो सारी मसल जो है, आप इतना याद कर लो कि ये सारी मसल एक्चुअली में उनका इंसर्शन एक रिंग पे होता है, उसे अपन बोलते हैं टेंडनस रिंग। और ये जो टेंडनस रिंग जो है, ये अपना जो सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर है ना, उसके जस्ट यहाँ पे, मतलब थोड़ा सा बीचों बीच प्रेजेंट होता है, कुछ इस तरीके से। ये आपको साइड में पिक में भी दिखाई दे रहा होगा। तो उससे होता क्या है, ये अपनी पूरी ये जो सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर जो है, वो तीन पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एक अपना टेंडनस रिंग में, फिर टेंडनस रिंग के ऊपर वाला पार्ट, और अपना एक टेंडनस रिंग के नीचे वाला पार्ट। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं कि ये जो सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर के टेंडनस रिंग के अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, आप साइड में पिक में भी देख पा रहे हो, जो सर्कल जो आपको दिख रहा है वो है अपना टेंडनस रिंग, और उसके अंदर टोटल अपनी ये चार चीजें प्रेजेंट है, एक सुपीरियर एंड इन्फीरियर डिविजन ऑफ ऑक्यूलोमोटर नर्व, नेजो सिलियरी नर्व, एब्ड्यूसेंट नर्व और सिंपेथेटिक रूट ऑफ सिलियरी गैंग्लियन। देन इसके अपने टेंडन रिंग के ऊपर वाले पार्ट में अपनी यहाँ पर प्रेजेंट होती है ट्रोक्लियर नर्व, देन फ्रंटल नर्व, लैक्रिमल नर्व और उसी की आर्टरी लैक्रिमल आर्टरी, देन सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन एंड रिकरेंट मेनिंजियल ब्रांच ऑफ लैक्रिमल आर्टरी। और टेंडनस रिंग के नीचे अपना प्रेजेंट होता है
इन्फीरियर ब्रांच ऑफ ऑप्थेलमिक वेन। तो टोटल मैंने आपको पूरा ये मिडल करेनियल फोसा बता दिया। और यहाँ पे देखो मैं पहले ही बता दूँ, या तुम्हें रखना है अपना फोरामेन ओवल, मेनली वाइब में पूछेंगे, सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर और अपना ऑप्टिक नर्व। तो ये मेनली स्ट्रक्चर पूछते हैं, उसके अलावा तुमसे फोरामेन रोटेंडम स्पाइनोसम भी पूछ सकते हैं। टोटल मैं आपको इन शॉर्ट बताऊँ, उसके पूरे फोरामेन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। नेक्स्ट वीडियो अपनी होने वाली है अपने पोस्टीरियर करेनियल फोसा पे, और उसके लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।